नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में 9 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर कामगार बोर्ड के अध्यक्ष और कांग्रेस नेता बाबा हरदीप सिंह को नालागढ़ से टिकट देने को लेकर बाबा के समर्थकों ने एक बैठक की और समर्थकों ने पार्टी हाईकमान से बाबा हरदीप को नालागढ़ से टिकट देने की मांग भी उठाई। समर्थकों का कहना है कि 10 दिन हो चुके हैं लेकिन नालागढ़ में अभी तक पार्टी ने टिकट की घोषणा नहीं की है, जिसके चलते एक तो प्रचार में देरी हो रही है और दूसरी ओर बाबा हरदीप सिंह पिछले कई दिनों से दिल्ली में डेरा जमाए बैठे हैं। समर्थकों का कहना है कि जल्द से जल्द बाबा हरदीप को नालागढ़ से टिकट की घोषणा की जाए। साथ ही समर्थकों ने चेतावनी देते हुए हाईकमान को कहा कि अगर बाबा हरदीप की बजाय किसी और को टिकट मिलती है तो वो पूरे इलाके में इकट्ठा होकर एक विशाल रोष रैली निकालकर अपना प्रदर्शन करेंगे, साथ ही आगामी रणनीति भी बनाएंगे। दिनों से हम टिकट का इंतजार कर रहे हैं लेकिन अभी तक हमारे को किसी भी तरीके का, हमारे जो कैंडिडेट हैं हरदीप सिंह बाबा जी नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र से, अभी तक टिकट का कुछ क्लियर नहीं हुआ है। हम सारे लोग, इलाके के लोग, सारी जनता बाबा जी के साथ हैं और सारी जनता विकास को देखते हुए जिस तरीके से बाबा जी ने इलाके में विकास करवाए हैं राजा वीरभद्र सिंह जी की रहनुमाई में, हमारे रामसर क्षेत्र से तहसील अभी नई तहसील बनी है और उस क्षेत्र के साथ हमारे 3 कंस्टिट्यूंसी लगती है, अर्की विधानसभा क्षेत्र, दूर विधानसभा क्षेत्र और नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र, दोनों का टिकट हो चुका है लेकिन नालागढ़ का अभी तक भी टिकट नहीं हुआ है। तो हमारी हाईकमान से यही दरखास्त है कि जल्दी से जल्दी हरदीप बाबा जी को टिकट देकर भेजें ताकि हम इलाके में काम करें और विकास के मुद्दे पर हम इस इलेक्शन को निकाल सकें। अगर हाईकमान इस कुछ उल्टफेर करती है या इस तरीके का कोई टिकट बाबा हरदीप सिंह जी को नहीं देती है तो हम इसके प्रति काफ़ी बड़ा एक रोष प्रकट करेंगे। तो अब यहाँ इसीलिए आए हैं सब इकट्ठे हुए हैं कि जो टिकट है वो बाबा हरदीप सिंह को मिलना चाहिए। उन्होंने बहुत मेहनत किया, जो कांग्रेस बहुत पीछे थी उन्होंने बहुत उनको आगे किया है। इसीलिए हमारा तो यही कहना है कि काम के लिहाज से जिस भी हर बरादरी को लेकर चले हैं, सबका काम किया है, वो सबके पास पहुँचे हैं। आज हम इसीलिए आए कि उनको एक टिकट जरूर मिलना चाहिए, इतनी देर नहीं करनी चाहिए, अनाउंस जल्दी से जल्दी करना चाहिए। इसका मकसद ये है कि सानू इस गल का रोष है कि रोज़ फैसला नहीं हो रहा, सानू हाईकमान टिकट नहीं दे रही, साडा टिकट डिले कर रहे हैं। टिकट कद मिलेगा, कल असी नॉमीनेट पेपर भरने हैं, उस तो बाद जनता दे विच प्रचार भी करना है, साडे कोल समा बहुत घट बच रहा। साडी पूर जोर हाईकमान नू इह बेनती है कि हाईकमान नू इह गल देखनी चाहीदी कि 5 साल दे विच किस बंदे ने काम कराया, इलाके दे डिवेलपमेंट किने कराई और इलाके दा श्रेय कौन ले रहा। साडी इही पूर जोर मंग है सरकार तक, हाईकमान तक, राजा वीरभद्र दे माध्यम ते भी होर भी जो साढ़े प्रभारी है, ऑब्जर्वर आए हैं, अज तक असी इको मंग करते रहे कि इलाके की जो डिवेलपमेंट है जे कांग्रेस नू जिंदा रखा है तो हरदीप सिंह बाबा ही ने जिंदा करया मुड़ के आके, नहीं तो 15 साल का जो राज था कार्यकाल था वह बीजेपी का सीगा, बीजेपी ने बिल्कुल कांग्रेस की पट्टी खोल दी सी। इस करके असी यही मंग करूँगे सरकार से कि जो टिकट है हरदीप सिंह बाबा जी को दिता जाए ताकि जो वर्कर है, सपोर्टर है, उन्होंने एक जो रोष पैदा होया वो रोष खत्म हो जाए है। अगर इलाके बचाना है, अगर कांग्रेस को बचाना है, अगर नालागढ़ की सीट न चाहते हैं हाईकमान, तो वो जो टिकट है हरदीप सिंह बाबा जी को मिलना चाहिए। आई हुई जनता का भी मैं धन्यवाद करता और जनता इत तक भी कहती है अगर सानू कोई होर भी हथकंडे बनाने पे तो उसे भी पिछे नहीं हटा, असी बाबा जी इलेक्शन लड़ा ही लड़ा है, हर पक्षों बाबा जी के नाल है और बहुत बड़ा ही रोष रैली हो सकता। असी कल ही बहुत तादाद के जनता इकट्ठी होकर यह रैली में असी संबोधन करने की करा जे जरूर हथकंडे का मतलब। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह सोनी की रिपोर्ट।